जय हिंद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से पिछला बेंच का लड़का हमेशा पास हो जाता है जबकि अगला बेंच का लड़का पास नहीं हो पाता है। जब आप अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो हमेशा आप देखते होंगे कि पिछला बेंच का लड़का पास हो जाता है जबकि अगला बेंच का लड़का पास नहीं हो पाता है। आज आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से पिछला बेंच का लड़का पास हो जाता है और अगला बेंच का लड़का। मैक्सिमम लोग तो पास होता ही है लेकिन पिछला बेंच का लड़का भी मैक्सिमम लोग पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है? वो पीछे बैठ बैठ करके इस तरह से अपने अपने को इस रूप में ढाल लेता कि है वो कि अगर कहीं भी अगर कॉपी रहे वहां से उसका नजर पड़ने पर वो देख करके लिख सकता है इजीली। तो चलिए आज आपको प्रूफ करके दिखाते हैं किस तरह से पिछला बेंच का लड़का पास हो जाता है जबकि अगला बेंच का लड़का पास नहीं हो पाता है। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर पढ़ेगा तो फेल नहीं होगा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टडी इज इक्वल टू नो फेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नो स्टडी इज इक्वल टू फेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर पढ़ाई करेंगे तो फेल नहीं होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि स्टडी इज इक्वल टू नो फेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर पढ़ाई करेंगे तो फेल नहीं होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसको माने समीकरण नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये वाला प्लस ये वाला स्टडी प्लस नो स्टडी इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला। तो यहाँ नो फेल प्लस फेल, तो अगर हम इसमें से इसमें से अगर स्टडी को कॉमन ले लें, स्टडी को सेम स्टडी को कॉमन ले लें हम, तो क्या हो जाएगा? स्टडी बाहर निकल जाएगा, स्टडी यहाँ क्या बच जाएगा? स्टडी कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ वन और प्लस नो इज इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ फेल कॉमन लेंगे। अगर फेल कॉमन लेते हैं फेल, तो नो प्लस वन ये हो गया। अब यहां से यहां कैंसिल, तो ये क्या बच गया? स्टडी। इधर क्या बच गया? स्टडी, स्टडी इज इक्वल टू फेल। ये हुआ। तो दैट्स व्हाई दिस रीजन बैक बेंचर डू नॉट स्टडी। तो जबकि ऐसा बात नहीं है, अगर पढ़ेगा नहीं तो फेल हुआ है, फेल क्या महाफेल हो जाएगा। इसलिए कि अगर नहीं पढ़ेगा तो अभी तो फेल हुआ है और अब महाफेल हो जाएगा। देखिएगा अभी ये कि ये सपोज दैट, मान लीजिए कि ये सारे लोग पिछले बेंच के स्टूडेंट हैं जो कि ये बहुत ही छोटे छोटे लिखे
लिखे हुए हैंड राइटिंग को वो बहुत दूर से वो अट्रैक्ट करके दिख लेता है। ये इसलिए देख लेता है क्योंकि पिछला बेंच क्लर्क का वो अपने आप को बैठ बैठ करके इस तरह से अपने आप को ढाल लेता है कि कहीं ना कहीं जितना भी दूरी पर हो उसका आँख वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट कर ही लेता है। देखिए जैसे कि अभी इस आपके जूते में देख रहे थे तो बहुत ही छोटे छोटे में चिट चिट था और तो भी अभी तक अभी चिट कर लिया गया, जबकि ये वीडियो जो है फनी के लिए है, ये फनी वीडियो बनाया गया है और तो भी बहुत छोटे। देखिए यहाँ पे हाथ में जो देख रहे हैं ये भी बहुत छोटा छोटा है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो हर स्टूडेंट आपको चाहिए कि हर स्टूडेंट को आगे और पीछे करते रहें ताकि सबको, पीछे बैठने वालों को भी माइंड बढ़ता है और आगे बैठने वालों को माइंड